हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रोसेन। आज मैं कुछ पतंग लेके आया हूँ, जो पतंग एक्चुअली मैं कोरियर करने जा रहा हूँ। कोई फ्रेंड है मेरा, तो उसको मैं देने जा रहा हूँ। उसका खैर तो नाम रिवील नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ डिजाइनर काइट्स है, जो उनको बस शौक है डिजाइनर काइट्स का ही। तो मैं अपने कलेक्शन से कुछ पतंग उसके लिए निकाला, तो जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसमें एक से एक बढ़कर डिजाइन है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं पतंग आज हाथ पे लेके बैठा हूँ, ये है विलियम, जो हमारे उस्ताद विलियम कोलकाता के बहुत नामचीन कारीगर है, उनका पतंग है डिजाइनर का, सब गार्डर में, ठीक है। अब डिजाइन तो बहुत सारा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो विलियम का पतंग, दिस आर ऑल विलियम डिजाइनर काइट्स, ठीक है। ये भी सब उस्ताद विलियम का। अब यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है, तो ये पतंग दिख रहा है, थोड़ा मॉइस्चर वजह से थोड़ा पतंग में दिख रहा है। तो ये झोल नहीं है, बस ये पेपर थोड़ा लाइट कम है, तो हम मुश्किल से थोड़ा वक्त निकाला है, तो जितना जल्दी हो सके हम दिखाते जा रहे हैं आप लोगों को। तो ये सब पतंग जो है, ये कानपुर जा रहा है, ठीक है, किसी शौकिया के पास जा रहा है। ये विलियम का सारा डिजाइनर काइट्स बहुत कम दिखने को मिलता है, ये सब पतंग बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब विलियम की पतंग है जो कानपुर जा रहा है। ये भी सब विलियम की कांटदार पतंग है, सब एक एक दो दो पीस, सब अलग अलग डिजाइन करके है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फैन वैन भी बंद है और डिजाइन भी बहुत ज्यादा है, तो हर चीज को अगर दिखा माने टाइम लेके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना शानदार डिजाइन है, एक से एक बढ़कर दिया, सब अलग अलग डिजाइन। एक्चुअली ये थोड़ा एक्सक्लूसिव काइट्स है, एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि ये सब ज्यादा बनता भी नहीं है। देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को डिजाइन कैसे लगा, ठीक है। सब डिजाइन मीडियम का ही डिजाइन है सब। देखिए ये धाम जैसा उन्होंने किया है, पतंग के अंदर फिर पतंग जोड़ा है उन्होंने, एक से एक बढ़कर सब डिजाइन है। देखिए ये भी वन टाइप ऑफ नौड़ांगा, खैर हम तो गिना नहीं है कितना कलर है इसमें। तो ये मैं सब जो स्टॉक है, तो किसी फ्रेंड को दे रहा हूँ जो कानपुर से है, ठीक है। और भी दिखा रहे हैं, ये भी सब विलियम जी की पतंग है। देखिए और ये साफ कांटदार में है, ठीक है, सब कांटदार में है। ये पेपर जो है खादीमा पेपर है, शानदार डिजाइन। देखिए लाइट कम है, तो पतंग थोड़ा उतना सफाई नहीं दिखेगा पतंग में, क्योंकि लाइट बहुत कम है। ये रूम जो है, यहाँ पे कमानी का काम किया जाता है, तो इसमें बहुत माने रूम थोड़ा सफाई भी नहीं है, तो मुश्किल से थोड़ा जगह निकाल के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतना डिजाइन देखने को बहुत जल्दी नहीं मिलता है। अभी देखिए इसमें भी देखिए मांग में भी डिजाइन किया गया है, और ये भी विलियम का, इसमें विलियम का ही डिजाइन ज्यादातर जा रहा है, विलियम जी का। बहुत कम लोगों के पास ये डिजाइन होगा, ये हम खुद उनको रिक्वेस्ट करके बनवाए थे, ठीक है। चार पीस बनवाए थे, तीन पीस है मेरे पास, एक पीस हम दे रहे, एक या दो पीस होगा, और सब गाट में, थोड़ा गाट भी दिखा दो, सब गाटदार है। विलियम उस्ताद विलियम सब गाट में ही बनाता है, बिना गाट का काम नहीं करता है। देखिए सब डिजाइन, देखिए 3D स्टार के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, ये भी डिजाइन। अब जो पतंग मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये कोलकाता के शकील अंसारी का पतंग है, ठीक है। ये शकील अंसारी का स्टैंप है, पहले देख लीजिए,
तो ये भी मेरा कलेक्शन में से ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया पतंग बनाया है यहाँ पे डिजाइनर काइट से, देखिए। और ये सब बड़ा फर्मा का है, ठीक है, अफगानी ढोल टाइप का सब फर्मा है। देखिए डिजाइन, देखिए चांद और तारा, बॉर्डर स्टार, मांगदार, ये डिजाइन थोड़ा जाहिर नियाजी उस्ताद जैसा लगता है। बारीक मांग भी डाला गया है, देखिए आप लोग देखिएगा, सब डिजाइन देखिए और बताइएगा कि कैसे लगा है आप लोगों को। ये और शकील अंसारी का पतंग है, 3D स्टार, देखिए एक से एक बढ़कर डिजाइन। तो ये वीडियो का बस दिखाने का यही था कि सब एक साथ इतना डिजाइन देखने को ज्यादातर मिलता नहीं है। ये नौरंगा पतंग, नौरंगा एक्चुअली ये तिरंगा है शायद, 13 कलर है इसमें, ठीक है। तो ये पतंग देख के तो बहुत लोगों ने आफ्टर दैट ये डिजाइन बनाया है, तो जिसको भेज रहे उसको डिजाइन का बस बहुत शौक है तो एक एक पीस में अपने से दे दे रहा हूँ उसको। ये दिस आर ऑल शकील अंसारी का, ये भी बहुत कम बनाते हैं पतंग, सब गोल फर्मा में, देखिए फर्मा भी देख लीजिए, ठीक है, शकील अंसारी का। कुछ और है, ये सब कोना में है। अब शकील अंसारी का कुछ अद्धा भी दिखा देते हैं, ठीक है, ये अद्धा काइट है शकील अंसारी का। मैं अभी फुल पैक नहीं कर रहा हूँ इसलिए सब इसके उसके अंदर सब घुस गया है पतंग, इसको जब पैकिंग करेंगे वो बढ़िया से करेंगे। तो ये भी ये पौना काइट से शकील अंसारी का, देखिए ठीक है, मांगदार काइट, ये फिर अद्धा हो गया है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, थोड़ा अद्धा पौना सब साथ में मिक्स हो गया है, ये डालने के टाइम में मैं सब सही कर दूंगा। ये भी देखिए सब एक से एक, सब डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, सब अलग अलग डिजाइन, ऐसा नहीं है कि सब एक ही डिजाइन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि डिजाइन बहुत सारा है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये भी है, ये भी एक तो डिजाइन है और दिखा रहे हैं। ये जो पतंग मैं दिखाने जा रहा हूँ ये सब मुरली जी का पतंग है, जो मुरली जी हमको सब एक यही डिजाइन का चार चार पीस बना के दिया था, तो मैं अपने से एक एक पीस वो भाई को दे रहा हूँ, ठीक है। ये मुरली उस्ताद का पतंग है, कानपुर का पतंग है, ठीक है, कानपुर के जो मेकर है उस्ताद मुरली, जैसे मुख्तार साहब हो गया, मुरली हो गया, जफर उस्ताद हो गया, ये भी मुरली उस्ताद भी बहुत सब तो जानते हैं। खैर मैं डिजाइन दिखा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए मुरली का डिजाइन, करने में भी भाई बहुत टाइम लग जाता है। ये लोग जो कलेक्शन का शौक है बस उसको मालूम है, क्योंकि कारीगर लोग ये सब चीज बनाने को ज्यादा पसंद भी नहीं करते क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और उसके बाद वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेदर सही होगा तभी ये सब चीज बनता है, ठीक है। जो भी है ये छोड़ो भी तो हम लोग बोलते हैं उसके अंदर, देखिए कितना अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, कौवा पानी पी रहा है इसके अंदर से, ये उन्होंने पी जोड़ के दिया था मेरे नाम पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको सारी की सारी दे दे रहा हूँ, जो मेरे पास पूरा सेट था तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने मान लिया उसको दे रहे सब एक एक पीस करके। हमको भी अच्छा लगता है कि जो शौकीन जो है शौकीन या लोग होता है उनको देने में, ठीक है। देखिए मुरली का पता है, जो पतंग दे रहा हूँ दिखा रहा हूँ ये मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये मुख्तार साहब की पतंग है, ठीक है। मुख्तार साहब बहुत, ये भी उस्ताद अली नवाब जैसे बुजुर्ग माने बहुत सीनियर पर्सन है मुख्तार साहब, कानपुर के उस्तादों में गिने जाते हैं। और ये गाट कमान में है, आप लोग अगर काइंडली देख पाएंगे ये गाट में बना हुआ है, ठीक है, गाटदार में।
तो ये दिस आर ऑल रेयर काइट्स, क्योंकि एक तो मुख्तार साहब बहुत ही कम मनाते, उम्र भी बहुत हो गया है, ठीक है, और ये सब पतंग आज के डेट में मिलना एक टाइप का नामुमकिन है। अच्छा, एक पतंग रह गया है जो जफर उस्ताद का है, जफर उस्ताद भी बहुत एजेड हो गया है, ये उनका डिजाइनर काइट्स है। देखिए ये सब तो आज के डेट में मिलेगा नहीं, जितना मेरा नॉलेज है एक तो आज के डेट में बहुत कम बनाते हैं, तो ये भी मैं अपने से दे रहा हूँ। और दो पतंग यहाँ पे है हमारे कोलकाता के सोनिक काइट, जो बागादा का नाम से जाना जाता है, सोनिक काइट बागा, काइट मेकर फ्रॉम हावड़ा, ब्यूटीफुली डन, इतना शानदार डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशन है, देखिए हर चीज को आप देखिएगा तो बारीक से देखिए तो समझ में आएगा, ब्यूटीफुली डन। इसका दो पीस हम दे रहे हैं उनको, ये भी एक तो डिजाइन है बागादा का, ठीक है, शानदार। ये सब कानपुरी जा रहा है पतंग, और इसमें से कुछ काइट से एक अकबर नदीम का पतंग है, डिजाइनर काइट्स, अकबर नदीम जो बहुत यंग एंड टैलेंटेड काइट मेकर है फ्रॉम कोलकाता। अकबर भाई से मेरा खुद पर्सनली भी बहुत अच्छा रिलेशन है, ये पतंग जो है अकबर भाई हमको अलग से बना के दिया था, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही दिया था, ये उनका बहुत मैंने फेमस डिजाइन है, सब जानते हैं, इसको देख के पता चल जाता है कि अकबर भाई का ये डिजाइन है। तो ये अकबर नदीम का पतंग है, जाहिर नियाजी साहब का एक पतंग हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, और ये मेरा हाथ का पतंग है, लास्ट में जो मैं पतंग दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, कम बनाता हूँ, मेरा ये बस पैशन है, एक्चुअली आई वर्क फॉर इंडियन रेलवेज, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है, तो एक पीस में अपने हाथ का ये पतंग दे रहा हूँ उनको। अब ये सब बनने में बहुत टाइम लगता है, उनके साथ रिलेशन अच्छा है, तो मैं ये पतंग उनको ये दे रहा हूँ। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, आप लोग वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नीचे लिखिएगा आप लोगों को डिज़ाइन देख के कैसा लगा है, और आगे भी एक से एक बढ़कर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, हाँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।